चालू रबी सत्र में गेहूं बुआई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। इससे उम्मीद बनी है कि अगले साल नई फसल आने के साथ कीमतों में कुछ राहत मिलेगी। जारी आंकड़ों के अनुसार बीते शुक्रवार तक किसानों ने 620,62,000 हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई की है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 4.4% अधिक है, जबकि पिछले साल इस समय तक 594,62,000 हेक्टेयर में ही रबी की बुआई की गई थी। खास बात यह है कि गेहूं के साथ साथ अन्य फसलों के रकबे में भी वृद्धि देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सभी रबी फसलें 25,99,000 हेक्टेयर बढ़ी हैं। वहीं गेहूं का रकबा 302,61,000 हेक्टेयर से बढ़कर 312,26,000 हेक्टेयर हो गया है। हालांकि अभी भी फसल की बुआई जारी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण गेहूं के क्षेत्र में वृद्धि भारत की खाद्य सुरक्षा और दुनिया की गेहूं सप्लाई के लिए अच्छी खबर है। इस साल रिकॉर्ड मात्रा में गेहूं बोने का भी अनुमान है। वहीं 2021-22 में 85,35,000 हेक्टेयर की तुलना में 2022-23 में 92,67,000 हेक्टेयर भूमि पर सरसों की बुआई की गई थी, यानी सरसों के रकबे में भी 7.32 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह तिलहन उगाए जाने वाले क्षेत्र में 8,20,000 हेक्टेयर की वृद्धि देखने को मिली है और उसमें रैपसीड और सरसों का 7,32,000 हेक्टेयर रकबा अधिक हुआ है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा है कि पिछले 2 साल से चल रहा विशेष सरसों मिशन ही इसका मुख्य कारण है कि किसान एक बार फिर से सरसों उगाने में रुचि ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।